गुड इवनिंग गाइज, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। हाँ मैं राहुल एलियो बीएड से। गाइज, कई लोगों की क्वेरी आ रही थी मेरिट लिस्ट आने के बाद कि सर काउंसलिंग कैसे होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने शायद पिछले साल से इस बार की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया वो कुछ अलग रखी है। पहले क्या होता था, काउंसलिंग प्रोसेस में ये होता था कि 3200 रुपये डिपॉजिट करना था और उसमें मेरा केवल दूसरा कैंपस बोला के हुआ लिए है। काउंसलिंग के लिए फीस जमा करना होता था। बट गाइज, अभी के लिए जो अपडेट आई है लखनऊ यूनिवर्सिटी की, जो इस बार न्यू कैसे काउंसलिंग होगा, क्या प्रोसेस होगा, इस वीडियो में हम डिटेल गाइडलाइन के ऊपर जानेंगे। देखिए, गाइडलाइन आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा ऑलरेडी। जब भी आप एडमिशन कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, अंडर ग्रेजुएट के कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आप काउंसलिंग गाइडलाइन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको एक काउंसलिंग पोर्टल दिया गया होगा। जैसे आपने 12th का मार्क्स भरा था, गाइस मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूँ जैसे जैसे किस तरह से आप कर सकते हैं इसमें। अब पहले बात तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर हमें कैंपस में एडमिशन नहीं मिलेगा या कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। देखिए, अभी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो ओवरऑल है, सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी है। इसमें जितने भी कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होंगे और कैंपस का जो होगा वो सबका एक साथ काउंसलिंग हो रहा है। इसमें आपके जैसे आपने 12th का मार्क्स अपलोड किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको को जो भी कॉलेजेस होंगे वो अलॉट होंगे। देखिए, एडमिशन के कॉर्नर पे जब क्लिक करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन होता है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप तो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है कि 13 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया था, तो आप जैसे 12th का मार्क्स डालते थे उसी के तरीके से आपको क्या करना है, काउंसलिंग पोर्टल पे जाना है और वहां पे आपको 1200 रुपये फीस सबमिट करनी होगी। ठीक है, सबमिट करने के बाद उसके बाद से आपके नंबर आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी का वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको अपना 1200 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद जिसमें से 1000 रुपीज का जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं या सीट छोड़ देते हैं तो आपको 1000 रुपीज जो होगा वो 1 से 2 महीने के अंदर आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। 200 रुपीज जो होता है वो रजिस्ट्रेशन फीस होता है, वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो रिफंड नहीं किया जाता था। लेकिन पहले क्या होता था, ये 3000 लगता था और 3200 रुपये टोटल लगता था। लेकिन इस बार इसे कम कर दिया गया अमाउंट ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए इस काउंसलिंग प्रक्रिया में। ठीक है, काउंसलिंग में अब कई लोग ये कंफ्यूजन है, सर मेरा नाम तो मेरिट लिस्ट में आ गया, मेरे 45% है, क्या मेरे एडमिशन होंगे? देखिए, ये सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी है, यहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको आपका जो एक्चुअल जो अलॉटमेंट होगा वो आप काउंसलिंग कराने के बाद ही आपके पोर्टल पे आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या कौन सी यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस मिला है। लेकिन जहां तक तो मेरी बात माने, अभी मैं बीकॉम की केवल बात करने जा रहा हूँ। बीकॉम में देखिए, मैंने आज खुद पूरे कॉलेजेस का डेटा कलेक्ट किया था और यहाँ पे मैंने दिखाया है कि देखिए, अगर एलयू की बात करें, मतलब एलयू में टोटल अफिलिएटेड कॉलेज में जो सीटें हैं ये यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है 5240 सीटें हैं एलयू के अफिलिएटेड कॉलेज में, या मेन कैंपस में टोटल जो सीटें हैं ये 880 सीटें हैं। तो टोटल सीट की जहाँ तक बात करूँ तो लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी लॉन्च कर रहा तो 6120 मतलब 6120 सीटें हैं गाइस। टोटल 9400 लोगों को मौका दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप जब भी फीस पेमेंट करेंगे, फीस पेमेंट करने के 3 दिन बाद आपके पोर्टल पे आएगा कि आपको ये कॉलेज मिला है, क्या आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे? अगर आप क्लिक करते हैं यस, तो आगे की जो भी फीस होगी वो आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप डिनाई करते हैं तो आपका 1000 रिफंड हो जाएगा। यही प्रक्रिया होगी, लेकिन मैं आपको एक लाइव करके भी दिखाऊंगा, इसके लिए आप वेट करिएगा। बस मैं आपको ये एक ओवरव्यू देने के लिए बनाया हूँ कि आखिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होती है। सेंट्रलाइज एडमिशन से एक फायदा भी है, नुकसान भी है। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मेरे 45% है, मेरे नाम आ गए हैं तो मुझे कैंपस मिलेगा। ऐसा नहीं है गाइस, जहां तक मैं बता दूं जितने 880 सीटें हैं, तो मैं बीकॉम की एक्चुअली बात करूं, पिछले साल की जो कट ऑफ लिस्ट थी क्या हुआ था, 1 से 600 लोगों को जनरल में बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। वहीं ओबीसी की जहां तक बात करूं तो ओबीसी में 350 रैंक तक के लोगों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। और वहीं SC/ST कैटेगरी में बात करूं तो 200 लोगों को बुलाया गया था, SC कैटेगरी से 75 लोगों को बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। तो EWS पहले नहीं था, EWS को इस बार से लॉन्च हुआ है, तो इसमें तो 5 से 10% आरक्षण यहाँ भी मिलेगा और 2% जो होता है वो गर्ल्स का रिजर्वेशन होता है, इसी तरह से फॉलो होगा। लेकिन आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जैसे ही अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।